तो यार बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत करे एपिसोड में। ठीक है, तुम देख लो आप जो अपने पास गाड़ी है वो कोई ऐसी नहीं है भाई, यार अपने पास है हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा। ठीक है, और अभी हम इसे अंदर कर रहे हैं। अपन आए हैं अभी ऑटोराइटी कस्टम्स, एज ऑलवेज भाई दिल्ली में खतरनाक काम एक ही जगह हो रहे हैं। और तुम देख लो अंदर अपने अंश भाई भी है जो गाड़ी को बैक कर रहे हैं। तो क्या गाड़ी का लुक लग रहा है यार, देख रहे हो भाई अपने स्माइल भी कर रहे हैं बढ़िया। और तुम इधर से देखो भाई क्या लुक है यार, एक नंबर। चलो गाड़ी को अंदर देते हैं और फिर हम गाड़ी को भी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, और तुम देख लो यहाँ पे आता आता जो भी है हर कोई सबके रिएक्शन देखो भाई, सब देख रहे हैं गाड़ी को। और तुम पीछे देख लो, ये भी अपने पास यहाँ पे चाल चूड़ी है, उधर अपनी एज ऑलवेज सबसे फेमस वीडियो हमर, और उधर जो गाड़ी है उस पर अलग से बनाएंगे। तो बहुत सारे मामले हैं, बाकी आओ गाड़ी को अंदर करते हैं फिर दिखाता तुम्हें सीन। तुम लोगों की हैवी डिमांड के बाद अपन आ गए भाई ऑटो आईडी कस्टम अंश भाई के पास। अंश भाई दोबारा से वंस अगेन हेलो आपको। ठीक है, और इस बार देख लो इस बार अपने साथ जो गाड़ी है वो फिर से भाई ऐसी गाड़ी नहीं होती यहाँ पे तैयार। तुम देख लो हिंदुस्तान मोटर्स की अपने पास कॉन्टेसा है। तो जरा भैया ये बताया, मतलब पहले तो बताया कैसे है और आपके शेड्स काफी अच्छे लग रहे हैं, न्यू शेड्स। हाँ नाइस, तो जरा बताया भैया कॉन्टेसा ये क्या सीन है, कॉन्टेसा भैया आपकी पर्सनल है या फिर किसी कस्टमर की गाड़ी है, ये रीफर्ब होने के लिए है पूरी गाड़ी, इस पे डिटेलिंग होगी, सेरेमिक कोटिंग होगी। अच्छा, और इसके बम्पर्स वगैरह पूरा पेंट करेक्शन होगा। ओके, इंटीरियर होगा इसका व्हाइट कलर में। अच्छा, अलॉय चेंज होंगे, तो मतलब इंटीरियर पूरा चेंज होने वाला है, पूरा व्हाइट। अरे वाह, और देखो यार मतलब मुझे ना पर्सनली कॉन्टेसा गाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि यार तुम लोगों को याद हो मेरे दूसरे चैनल पे ना मैंने सबसे पहले जो एक वीडियो आई थी गाड़ी की वो कॉन्टेसा ही थी भैया, वो थी इंडिया की पहली स्मोक कार। बंदे ने क्या किया था, उसके पीछे वो डीजल सिस्टम नहीं था जो स्मोक छोड़ता है, वो बंदे लगा रखा कनेक्ट करके कि जब वो गाड़ी चलेगी तो उसमें से धुआं छोड़ेगा। तो कॉन्टेसा का मेरे को मतलब पहले दिन से ही उस वक्त वहीं से क्रेज उठ गया था कि यार कॉन्टेसा अपने आप में एक अलग गाड़ी भाई। और भी आपको बताया कॉन्टेसा कितना क्रेज है पूरे इंडिया में। तो यही है। अच्छा, ये भैया ने बहुत सारे बोली यार ये अपने टाइम की लैम्बोर्गिनी है, क्या बात है यार। तो ये आपका मतलब आपकी पसंद आती है इन गाड़ी में। हाँ ठीक है, अपना थोड़ा टेस्ट स्पोर्ट्स का है, ये विंटेज है तो। हाँ वैसे देखो भैया ने ना अभी तब गाड़ी अंदर कर रहे हैं, तुम लोगों को दिखाया था मैंने, भैया ने तब गाड़ी अंदर करी, उसका मुझसे खुद पूछा कि भाई तेरे से कोई कॉन्टेसा वगैरह है क्या, क्योंकि आपको बड़ी पसंद आ गई बैक पैक करने में। हाँ मैंने थोड़ा चला के इसलिए देखा कि देखिए पुराने टाइम में कैसी क्या चलती है, क्या ड्राइव है। और आपको पसंद आ गई पहली बार में, अच्छी है। अरे वाह भाई। तो भैया अगर हम बात करें इस कॉन्टेसा के ऊपर, ठीक है, तो जरा हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा है, अपने टाइम की लैम्बोर्गिनी है, हम जानते हैं सब। विंटेज गाड़ी अपने आप में बहुत, ऑफ कोर्स अब तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, क्योंकि विंटेज अब कम भी है सड़कों में, है ना। और कॉन्टेसा तो बहुत ही कम है। हाँ, और ये प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, तो बिल्कुल ये ब्रांड नहीं हो जाएगी दोबारा। तो इसके जरा ओनर क्या बताइए, कहाँ का ओनर है और क्या सीन है? यही साउथ दिल्ली के इसके ओनर, उनके होटल्स वगैरह हैं। अच्छा, मतलब कैड़े बंदे ही आते हैं आपके पास। हाँ देख लो यार, निहिर गलत भी कैड़ा बंदा आ रखा है, तो डू सब्सक्राइब इसी बात पे। इसकी शेप देखिए आप, जैसे ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ये अब जंप मार रही है गाड़ी। हाँ। हम गाड़ी को भगाते हैं तो आगे से उठ जाती है, पीछे डाउन, इसकी शेप ऑलरेडी ऐसी है खड़ी खड़ी। अच्छा, वो मुझे याद है भैया बाहर जब ऐसे कभी इवेंट वगैरह होता है उसमें कभी ना सेडान इस टाइप की गाड़ी बहुत जंप करने वाली भी आती है, तो इससे इंस्पायर होती है, इससे होता है। इसमें कुछ लोग सस्पेंशन वर्क करवा लेते हैं, हाइड्रोलिक करवा लेते हैं ताकि और जंप हो जाए। ओके, तो वो सारा काम आपके इधर हो सकता है, मतलब हो सकता है। अरे वाह यार, अरे वाह, तुम देख लो मतलब यहाँ पे सारे काम होते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्टेसा की आगे से लुक की, तो तुम देख लो एज ऑलवेज भाई ऑटो आईडी कस्टम का तो यहाँ पे तुम्हें बैजिंग मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है भाई प्रॉपर बंदे ने कुछ इसमें छेड़खानी नहीं कराई, हेडलाइट भी पुरानी है, ग्रिल वगैरह। अभी हम इसको हेडलाइट्स में भी एलईडी डीआरएल वाले लगाएंगे। अच्छा, और जैसे देखो पहले की कंडीशन इसकी कैसी थी, रफ है कितनी। हाँ, आप वाला क्लोज देखो, ये हाफ पोर्शन सेरेमिक हो चुका है और ये होने वाला। अच्छा, तो इसलिए आपने छोड़ रखा है कि पब्लिक को डिफरेंस पता लग जाए। ओके, तो तुम देख लो यार यहाँ पे ये हो गया अपना आफ्टर वाला। ठीक है, यहाँ पे पूरी सेरेमिक कोटिंग हो गई है और ये अपना पहले गाड़ी कुछ ऐसी थी। तो भी अगर बात करें सेरेमिक कोटिंग हो रही है, इसमें एक नैनो वाला भी आता है? नहीं, वो सब चीप प्रोडक्ट्स होते हैं और मतलब उनका वन मंथ का रिजल्ट रहता है उनका। हाँ, तो इसमें वैसे पीपीएफ नहीं हो सकती? पीपीएफ हो सकती है, तो अपना ओनर पीपीएफ में इतना ग्लॉस नहीं रहता जितना सेरेमिक कोटिंग में ग्लॉस आता है, उतना पीपीएफ में रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, ये देखो बिल्कुल हाई ग्लॉस है, ऐसा लग रहा है अभी नई गाड़ी है और ये गाड़ी 25 साल पुरानी है। हाँ सच में, सच में। और वैसे अगर हम बात करें यार, भैया से ही बोल रहे हैं, और सेरेमिक तो भी वैसे सस्ते भी आता है। हाँ सस्ते में आता है, 40 to 45,000। क्या बात कर रहे हो, इतने में होता है?
अच्छा, और फिर तो PPF तो और महंगा होता है। PPF 65,000। अच्छा, मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं यार, मैं बाहर सुनता हूँ PPF की जो कोटिंग होती है, तुम लोगों को याद हो यार, तुम लोग देखा होगा गाड़ी में आजकल PPF की वो पन्नी चढ़ाते हैं, ठीक है, बोलते हैं हम देसी में की पन्नी चढ़ा दी, और इसमें स्क्रैच नहीं आते, ठीक है, आपके इधर मतलब 65,000 में हो जा रहा है। हाँ, 65,000 में हो जा रहा है। बाहर मैं सुनता हूँ यार रेट तो 1.5 लाख तक जा रहे हैं। 1.5 लाख का है, लोग लेते हैं, बट हम इतना प्रॉफिट नहीं करते इसमें। अच्छा, ये स्पेशली कार लवर्स के लिए है। अरे वाह, तो भाई तुम्हें जरूर ऑटो आईडी कस्टम्स आना है, ठीक है, इसी बात पे हम इस डुकाटी में भी आएंगे। ये हमने थोड़ा सा लुक अच्छा दे रहा था भैया की, ये खुराफाती दिख गया, तो साथ में खड़ी कर देना, अच्छा लुक जाएगा, वीडियो दोबारा हिट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पिछली वीडियो भैया अपनी काफी हिट गई हमारे वाली। हाँ, हमारी बच्चों में मतलब काफी बंदों ने पसंद करी, और मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो भी फिर साथ साथ काफी बंदे फेमस करने वाले, क्योंकि यार ऑफ कोर्स मामले ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भी एलॉयज के बारे में, तो इसके एलॉयज का पहले से ऐसे आते हैं, कुछ चेंज किए? नहीं, चेंज कर रखा है, आफ्टर मार्केट है, पर ये इस गाड़ी के लिए ना मतलब ग्रेस नहीं आ रही वो विंटेज वाली, तो इसको कुछ अच्छा डालेंगे इसमें। सही बोल रहा, ये ना मैं वही देख रहा हूँ गाड़ी के हिसाब से ना एलॉय कुछ ज्यादा ही चमकीले हो रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं तो एलॉय वाला काम भी होगा इसमें। तो वही भैया बोल रहे, देखो प्रॉपर इंटीरियर वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है, अगर तुम्हें अंदर से बैठ के भी दिखाऊंगा, क्योंकि यार तुम अंदर देख लो, पता नहीं क्या क्या कंट्रोल्स है भाई, मजा आएगा देखने में। बाकी एलॉयज तो काफी सुंदर लग रहे हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक का वो आता है ओपन, अरे वाह यार ये बहुत सही है। और तुम देख लो भाई, सबसे बेहतरीन लुक तो इसका पीछे से आता है यार, अरे वाह। तो ये मुझे लगता है भैया पीछे की टेल लाइट्स में तो कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, हाँ नहीं, ये टेल लाइट एज इट इज रहेंगे, क्योंकि इसकी टेल लाइट से इसका लुक आता है। सही में यार, तुम देख लो इसकी टेल लाइट्स, तुम देख लो ये पुराने जमाने में तुमने जितनी पिक्चर देखी होंगी सब में गाड़ियों में ना इस टाइप की टेल लाइट्स ही आती थी, ठीक है। और पीछे का बंपर देख लो, हाँ काफी सही है अपनी हिंदुस्तान मोटर्स की, यहाँ पे बैचिंग हो रखी है HM, और अपना ये नीचे एग्जॉस्ट की टिप हो गई है, देख लो भाई 25 साल पुरानी गाड़ी है। तो भैया जैसे मेरा एक डाउट है, 25 साल पुरानी गाड़ी, दिल्ली में आपको पता है 15 साल तक का अपना वो वैलिडिटी होती है, तो ये गाड़ियाँ फिर कैसे, मतलब ये विंटेज में आती है एज पर लॉ, तो इसको हम डेली यूज में तो नहीं ले सकते, हाँ, बट कभी कभार राइड पे जाना हो तो विंटेज में हो जाता है, कभी बाहर ऐसे, और राइड भी प्रॉपर ऑथराइज्ड है ना गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें ज्यादा डे टू डे यूज में नहीं, उसमें आरसी वॉल्यूशन में आ जाएगी, 15 साल तो इसके हो ही चुके हैं। ऊपर से मुझे लगता है जिन बंदों की गाड़ी होती है वो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक भी नहीं करेंगे, वो जब भी निकालेंगे तो कुछ मामला कैड़ा हुआ था, रैली उसकी होती है, परमिशन होती है, संडे को ओपनिंग होती है। अच्छा, तो भैया आओ मैं बोलता हूँ अंदर बैठते हैं, ठीक है। यार भैया मैं देख रहा हूँ इन गाड़ियों में लेग स्पेस तो काफी अच्छा दे रखा है यार, काफी लेग स्पेशियस है गाड़ी, साइड से भी लेग स्पेस भी और पीछे भी। हाँ यार पीछे भी अच्छा खासा दे रखा है, तुम देख रहे हो यहाँ पे बॉल बॉल तो बड़ी अलग से, और तुम देख लो ये अपनी कुछ स्टीयरिंग हो गई यहाँ पे, हाँ स्टीयरिंग भी प्रॉपर पुरानी वाली है, और अगर हम बात करें वही पुराना वाला अपना डैशबोर्ड देख लो यार। अच्छा इस पे मतलब ऐसे आता है पूरा, हाँ बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, सही में। और देख लो भाई सबसे मेन खासियत तो मैं देख रहा हूँ इन गाड़ियों में जो ये गियर होता है, ये ऐसे जो ट्रक में आता ना ऊपर की तरफ, वैसे वाला सीन हो रखा है। तो अगर हम बात करें भैया, अच्छा इसमें पावर विंडोज आते थे, पावर विंडो है, ये क्या पहले से आते थे या क्या सीन है? नहीं पहले से ही आते थे। तो यार भैया मैं देख रहा हूँ आजकल जितनी अपनी फेमस गाड़ी है इनके भी बेस मॉडल में पावर विंडो नहीं देते, तो इसमें तो फिर बहुत बढ़िया बात है। उस टाइम की लग्जरी गाड़ी थी, और मतलब उस टाइम लिमिटेड गाड़ियां आती थी, तो फुली लोडेड ही आती थी जो भी आती थी। अच्छा, अरे वाह यार तुम देख लो मतलब इस गाड़ी में पावर विंडोज भी दे रखे हैं, वो भी 1, 2, 3, 4 चारों डोर के, चारों मतलब विंडो के प्रॉपर। और अरे वाह यार तुम देख लो, बाकी कुछ कंट्रोल में ज्यादा तुम्हें दिखेगा, एसी वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये एस्ट्रे। क्या बात कर रहे हो, इस गाड़ी में एस्ट्रे भी आता था पहले से? हाँ। अच्छा जी, ओहो, साउंड सुन रहे हो भाई साहब, ये क्या कुछ करवा रखा है या पहले से ऐसा है? नहीं नहीं पहले से ऐसा है, इसमें एग्जॉस्ट लगेगा अभी। अच्छा अभी एग्जॉस्ट लगेगा? हाँ। अरे वाह भाई तुम देख लो, सुन रहे हो आवाज सुनो, मतलब प्रॉपर ऐसी आवाज है। अभी एक बार आप रेस में मारना एक बार। ये तो भाई ट्रक वाला फील दे रही है सच में भैया। अच्छा यार तुम देखो अभी हमने गाड़ी का बोनट खोल दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखो ये भाई है अपने अंसारी भाई जो कि इस गाड़ी में प्रॉपर काम कर रहे हैं। अंसारी भाई ये बताओ आपने गाड़ी को खोलते ये क्यों बोला कि जनरेटर आई है, ऐसा क्या रीजन था? ये पुराना मॉडल था, इसका लॉक कुछ छुपा हुआ था जो कि पता नहीं चल रहा था। अच्छा इसके वजह से। अच्छा जी, बाकी यार मैं देख रहा हूँ इसकी बैटरी भी, बैटरी की प्लेसिंग भी काफी अलग कर रखी है। तो सेटिंग जो पहले अभी के गाड़ियों से बहुत अलग हटके है, बहुत अलग हटके, तो आपको काम करने में दिक्कत भी आती होगी, कुछ जगह जो ढूंढना पड़ता है कौन कामों को लेके कहां से होगा। ये तो है भाई, और जितना मुझे पता है देखो ये है अपनी पेट्रोल वाली कॉन्टेसा, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया यार ये गाड़ी का ना
ये गाड़ी का मतलब यार जो सीसी है वो 1800 सीसी है भाई ये गाड़ी, समझ रहे हो, विद फाइव सीटर 1800 सीसी, चार सिलेंडर, तो अपने आप में काफी अलग है। बाकी मुझे बताना, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने गूगल में देखा है 1800 सीसी बहुत होता है यार, 1800 सीसी इज इनफ। मेरी तो गाड़ी है ना एक्सयूवी 300 अंसारी भाई, उसमें भी 1200 सीसी का इंजन है और इसमें सोचो 1800 सीसी का आ रहा है। अच्छा। और ये इंडिया की पहली गाड़ी थी जिसमें वैक्यूम डिस्क ब्रेक आया था और साथ में इसमें पावर विंडोज भी, आपको पता है पावर विंडो तो है वो बटन से जो इसको हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये गाड़ी उस जमाने की तो बहुत कैडी थी, उस समय के तो इस समय लग्जरी कार के बराबर है। तो अंसारी भाई जैसे आपके, जैसे मुझे लग रहा है ये आपके जमाने की गाड़ी होगी, जब आप बच्चे हो गए तब के ही होंगे छोटे, तो आपको तो ड्रीम होगा इस गाड़ी बैठना, इस गाड़ी को मतलब देखना भी शौक था देखना कि क्या आज तो इनका काम करते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें कुछ हाइड्रोलिक वगैरह नहीं होता जैसे पुरानी मूवीज में देखते हैं, ये लगाते हैं ऊपर फिर बोनट खुलता है, तो ऐसा मैटर कुछ, और जैसे अंसारी भाई लगाया लगाती इसको बंद कर देने का। हाँ बहुत बढ़िया, ये देख लो अपने साथ यहाँ पे एक रेड ब्यूटी डुकाटी भी है, ठीक है, और इसका वो लुक कुछ अलग ही है भाई। तुम लोगों को मैंने बहुत सारे बाइक दिखा भी रखी है दूसरे चैनल में, इस चैनल में खुली, लेकिन ये डुकाटी की भाई पैनी गैले है शायद से, हाँ ये पैनी गले है 959 पैनी गले, ठीक है। इसकी साउंड भी बहुत तगड़ी है जो मैंने इस वीडियो में तुम्हें सुनाया भी होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और तुम देख लो ऑस्टिन रेसिंग का यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। बाकी इस वीडियो को तुम्हें क्या करना है, वायरल करना है, तुम लोगों को पता ही है ऑफकोर्स, मैटर तगड़ा है तो वीडियो वायरल तो करनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक मार देना, चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर देना, मेन क्या है भाई घंटे का ऑप्शन डालो इस चैनल का, ठीक है, क्योंकि अपन डेली खतरनाक वीडियो डालते रहते हैं, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के कैडी वीडियो आया, तो तुम लोगों इतनी मेहनत करो मैं कहाँ कहाँ से गाड़ी पकड़ता हूँ, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बने रहो इस चैनल पे, ठीक है। बाकी बताना तुम्हें इसकी वीडियो देखनी कुछ काम बाकी है इसका, जब वो हो जाएगा तो प्रॉपर तुम्हें दिखा भी देंगे, ठीक है। बाकी एक और गाड़ी है अलग से क्रोम रैप वो भी दिखाएंगे, तो बेहतरीन कंटेंट तुम्हारे लिए मैंने लाइन पर रखा हुआ है भाई, बने रहो मीर गर्ल चैनल पे और बने रहो मास्टर बटर चैनल पे भी, ठीक है, दोनों चैनल पे अपन खतरनाक तबाही करते रहते हैं। बाकी ये देख लो भाई कुछ लुक ऐसा आ रहा है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ मैं। चलो वीडियो एंड करते हैं, तो यार मैं भी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।